हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज नोडल मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। सर्किट प्रॉब्लम्स को नोडल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। नोडल मेथड बेटर रहता है। किरचॉफ्स लॉ जो हम लगाते हैं, सीधे I1 I2 करंट मान के करंट डिवाइड करते हैं, उससे बेटर रहता है नोडल मेथड। क्यों बेटर है मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, किसी भी रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होता है उसका रीज़न पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तो हम लोगों को पता ही है। नाउ अगर आप किसी सर्किट में करंट एज्यूम करना चाहें या किसी रेजिस्टेंस में करंट एज्यूम करना चाहें, तो आप एक में करंट I1 ले लेंगे, दूसरे में I2 ले लेंगे, तीसरे में I3 ले लेंगे। इस सर्किट को आप जनरली अगर सॉल्व करते तो एक में करंट I1 मान लेते, एक में करंट I2 मान लेते, एक में करंट I3 मान लेते। तीन अननोन होते आपके पास, और फिर आप तीन इक्वेशंस लगाकर किसी जंक्शन पर आप कहते करंट का एल्जेब्रिक सम जीरो होगा, एक इक्वेशन आ जाती। एक इस वाले लूप में आप KVL लगाते, एक इस वाले लूप में आप KVL लगाते, तीन इक्वेशंस आ जाती हैं और तीन अननोन थे आपके सॉल्व हो जाते। ये तो एक जनरल मेथड हुआ जिससे हम सॉल्व करते ही हैं। ना नोडल मेथड में ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अगर करंट फ्लो होता है तो आप किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर ज़ीरो एज्यूम कर लें किसी सर्किट में अगर आप किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल ज़ीरो एज्यूम कर लें और उसके रेस्पेक्ट में बाकी के पोटेंशियल लिख लें, तो आप डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस से करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और किसी ब्रांच में करंट को ज़ीरो नहीं माना जा सकता, लेकिन किसी जंक्शन पर पोटेंशियल को ज़ीरो लिया जा सकता है। यही कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम को, इस मेथड को सिंप्लीफाई कर देता है, क्योंकि आपका अननोन एक कम हो जाता है। आपने करंट ज़ीरो नहीं माना लेकिन पोटेंशियल ज़ीरो मान लिया, तो अननोन एक कम हो जाता है। तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इसमें किसी भी एक पॉइंट को ज़ीरो पोटेंशियल पर एज्यूम कर लें, फॉर एग्जाम्पल मैं ए को जीरो पोटेंशियल पर एज्यूम कर लेता हूँ। अब अगर इसको आप जीरो पोटेंशियल पर चलते हैं और आप अगर आप 2 वोल्ट में जा रहे हैं तो आप हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो 2 वोल्ट का ड्रॉप होगा यहाँ पर हायर से लोअर जाने में। तो -2 ड्रॉप को हम नेगेटिव लिखते हैं, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट -2 पोटेंशियल पर हो जाएगा। आप इधर से अगर जाते हैं सर्किट में 1 वोल्ट की बैटरी से, तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब गेन होता है, तो यहाँ पर ये 1 वोल्ट पर हो जाना चाहिए। और तीसरी बैटरी में आप 4 वोल्ट की बैटरी है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में 4 वोल्ट का गेन होगा, तो 0 से 4 वोल्ट का गेन हुआ तो 4 वोल्ट पर पोटेंशियल हो जाना चाहिए। नाउ इसके आगे रेजिस्टेंस आ जाते हैं, और रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं बी को मान लूँ कि एक्स पोटेंशियल पर है, दैट पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स एंड पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू 0, तो ऐसे केस में आपको ये समझ में आता है कि किसी भी जंक्शन पर जो टोटल करंट आ रहा होगा उसका सम ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि एल्जेब्रिक सम किसी जंक्शन पर ज़ीरो होता है। अगर हम सारे करंट को आते हुए मान लें तो करंट का एल्जेब्रिक सम उस जंक्शन पर ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि मान लीजिए इस वाले करंट को मैं कहता हूँ कि ये करंट I1 आ रहा है, ये करंट I2 आ रहा है और ये करंट I3 आ रहा है, तो ऐसे केस में I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलकर ज़ीरो हो जाना चाहिए। और आपको पता है कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होता है, तो 1 ओम में अगर हम करंट लिखेंगे I1 तो लिखेंगे -2 -x। करंट को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हम मानते हैं, -2 -x डिवाइड बाय 1। और I2 को हम लिख सकते हैं +1 -x डिवाइडेड बाय 1 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, प्लस I3 को हम लिख सकते हैं -4 x डिवाइडेड बाय 2, और ये टोटल मिलाकर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि इसमें केवल एक अननोन है x। तो पहले आपके I1, I2, I3 तीन अननोन आ रहे थे, यहाँ पर अगर आपको एक अननोन x की वैल्यू पता लग जाती है तो आपको हर एक ब्रांच में करंट पता लग जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, दिस कम्स आउट टू बी -4 -2x + 2 -2x + 4 -x इज इक्वल टू 0, एंड दिस कम्स आउट टू बी 4 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो 2 = 5x, x = 2/5 आ गया। अब x = 2/5 आते ही एक तो आपके पास VB - VA जो सेकंड पार्ट में पूछा गया था, VA - VB, तो VA - VB कितना हो गया, 0 - 2/5, that is = -2/5। आपको जो इक्वलेंट पूछा जाता है, व्हाट इज इक्वलेंट, जो आप निकालते हैं E1 by R1 = E2 by R2 + E3 by R3 / 1 by R1 + 1 by R2 + 1 by R3, वो क्या होता है बेसिकली, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है।
तो ई इक्वलेंट इक्वल टू माइनस टू बाई फाइव हो गया। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर एक बैटरी लगाना चाहेंगे तो वो बैटरी इस तरीके से लगनी चाहिए कि दिस नेगेटिव वी ए माइनस वी बी, तो हायर पोटेंशियल पर कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, और लोअर पोटेंशियल पर ए आ रहा है, एक्स इक्वल टू टू बाई फाइव हो गया। ये आपके पास ई इक्वलेंट इक्वल टू टू बाई फाइव की एक बैटरी लग गई। अब आप हर ब्रांच में करंट निकालना चाहें तो आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 आपका कितना हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू माइनस टू माइनस टू बाई फाइव डिवाइडेड बाई वन, दैट इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व बाई फाइव। ये आपके पास I1 हो जाएगा। I2 इसी तरीके से आपका कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स यानी टू बाई फाइव डिवाइडेड बाई वन, दैट इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव। और इसी तरीके से आप I3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। आई थ्री की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ जा रही है, फोर माइनस एक्स इज टू बाई फाइव डिवाइडेड बाई टू, दैट इज ट्वेंटी माइनस टू एटीन डिवाइडेड बाई टेन। तो जो करंट पॉजिटिव आ रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि आपने करंट की डायरेक्शन सही अज्यूम की है, और जो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो बेसिकली वन ओम में करंट फ्लो कर रहा होगा लेफ्ट की तरफ, कितना 12 बाई फाइव। इस वाली ब्रांच में पॉजिटिव आया है करंट, तो इसमें इधर फ्लो कर रहा होगा 3 बाई फाइव, और इस वाली ब्रांच में भी पॉजिटिव करंट आया है तो ये 18 बाई टेन और 9 बाई फाइव करंट फ्लो कर रहा होगा। तो केवल एक इक्वेशन बनती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से इक्वलेंट रेजिस्टेंस भी नोडल मेथड से इजी हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इक्वलेंट रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नोडल मेथड